ये दाऊद है, ये परेशान है, इसे चाहिए इसके साइज का रेनकोट। इसे अपना घर चलाने के लिए नौकरी तो मिल गई, पर खुद को बारिश से बचाने के लिए रेनकोट नहीं मिला। पिछली बारिश में भी ये भीगता रहा, पर क्या इस बारिश में इसे रेनकोट मिलेगा? कोई अच्छा रेनकोट बताओ जो मेरी साइज का हो। बिल्कुल सर, हमारे पास हर साइज के रेनकोट है जिसमें कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल है। क्या मुझे आएगा ये? यस सर, डोंट वरी, ये आपको आ जाएगा। गोल्ड रेनवेयर जो अब आपके नजदीकी रिटेल शॉप पर भी अवेलेबल है। क्या डेवलपमेंट के नाम पर मुमरा को बेचा जा रहा है? क्या विकास के दावे सिर्फ किताबों में ही रहेंगे? क्या रिजर्वेशन प्लॉट्स पर हो रहा है भू माफियाओं का कब्जा? क्या मुमरा वासियों को कभी मिल पाएगा सरकारी प्लेग्राउंड, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, ड्रामा थिएटर, टीएमटी डेपो जो मुमरा वासियों का हक था? एमआईएम कलवा मुमरा अध्यक्ष सैफ पठान ने रखी पत्रकार परिषद और जमकर लगाए सत्ताधारी पार्टी और बिल्डरों पर आरोप। देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सैफ पठान ने क्या कहा। सैफ भाई, आप अपने कार्यालय पे आज पत्रकार परिषद रखी गई, तो क्या चीज की पत्रकार परिषद है, क्या कहना चाहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए ये आपको पता होगा कि हमारे शहर में जिस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या लीगल कंस्ट्रक्शन हो, टोटली यानी इलीगल वे से किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे शहर को भी सही से बसाया नहीं जा रहा है। अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से जो हम लोगों को 2000 में रिजर्वेशन आए थे जितने भी, आज आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रिजर्वेशन पे भू माफिया ने कब्जा कर रखा है। कहीं पे भी यानी हमको रिजर्वेशन प्लॉट मिल नहीं रहे। जो रिजर्वेशन पे डेवलपमेंट शुरू हुआ वो आज तक यानी मुकम्मल हुआ ही नहीं है। जो भी रिजर्वेशन हमको बना के देने की शुरुआत की गई वो कंप्लीट हुई नहीं, और अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इस शहर से बहुत रिलेट करता है और इस शहर के मुस्तकबिल से बहुत रिलेट करता है। आपको पता होगा कि मैं पिछले कुछ महीनों से, आपने जानते होंगे कि आप पिछले साल दिसंबर में मैंने उसके लिए पहली बार पत्र व्यवहार दिया था 2022 में, फिर जनवरी में मैंने पत्र व्यवहार दिया। इस तरीके से मैं कंटिन्यू पिछले 6 महीने से उसका पत्र व्यवहार करते आया हूँ, कलेक्टर से, टीएमसी कमिश्नर से, अर्बन डेवलपमेंट से, शहर विकास से, जहां जहां मुझे लगता कंसर्न डिपार्टमेंट में देते आया हूं, लेकिन वहां पर भू माफिया का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। आज आपको पता होगा वो रिजर्वेशन शहर के बीचों बीच है, जिसमें हमारे खेलने का प्लेइंग ग्राउंड रिजर्वेशन, अभी आपने देखा होगा हाल ही में मित्तल ग्राउंड के अंदर इस्तेमा हुआ था, जो आपने प्लॉट देखा होगा वो प्लॉट के ऊपर वो रिजर्वेशन प्लॉट है, और वहां पर आप बाउंड्री देख रहे होंगे, जितनी बाउंड्री मारी गई टोटल उसके अंदर जो प्लॉट्स है वो रिजर्वेशन के हैं। मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ, देखिए उसके अंदर जो वो पूरे प्लॉट के अंदर मैं एकर्स के हिसाब से आपको बताता हूँ, जो हम लोगों का रिक्रिएशन ग्राउंड है, जहाँ हम प्लेइंग ग्राउंड बना सकते हैं। इस शहर के बच्चों 15 लाख की आबादी के करीब हमारा शहर पहुंच गया और खेलने के लिए एक ग्राउंड नहीं है, लेकिन वहां पर हमारे पास 8.27 एकड़ का प्लेइंग ग्राउंड है जो बिल्डरों ने कब्जा मार के अंदर ले लिया और बच्चों को खेलने दिया। 8 एकड़ का ग्राउंड है, उसके सर्वे नंबर है 48 का कुछ पार्ट है, 49 का कुछ पार्ट है, 50A का कुछ पार्ट है, 120 का कुछ पार्ट है, 121 का कुछ पार्ट है, 107A का कुछ पार्ट है और 119A का कुछ पार्ट है। बिल्कुल उसको लग करके हमारे शहर के लिए म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक कॉलेज आया था जो टोटल 13.34 एकर्स में आया, 13 एकर्स में कॉलेज की रिजर्वेशन है हमारे शहर पे। आप सोचिए अगर 13 एकड़ का कॉलेज हमारे शहर में बस जाएगा म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, तो लगभग पूरे शहर के बच्चों वहां पढ़ सकते हैं। आज हमारे बच्चों को कितनी परेशानी होती है, हम ऑफिस पे बैठे, हम जितने भी आने सोशल वर्कर से या हम पार्टियों से बिलोंग करते हैं, हमारे ऑफिसों पे आज लाइन लगी रहती है माँ बाप के, पेरेंट्स की, कि फीस बहुत ज्यादा है, डोनेशन बहुत ज्यादा है। हमारे शहर में 13 एकड़ के करीब कॉलेज का रिजर्वेशन प्लॉट पड़ा है जो आज बिल्डर लोग कब्जा कर रहे हैं। अगर ये कॉलेज यहाँ बन जाएगा, उसके सर्वे नंबर है 47, 48 का कुछ पार्ट, 49 के कुछ पार्ट, 51A का कुछ पार्ट, 120A का कुछ पार्ट, 121 का कुछ पार्ट, 162 का कुछ पार्ट, प्लस कौसा का, यानी मुमरा डिवाइडेड 3 हिस्सों में, एक मुमरा गांव, कौसा गांव और सोनगा गांव, प्लस सर्वे नंबर 118A कौसा का कुछ पार्ट उसमें इंक्लूडेड है। ये वो जगह है कॉलेज की। उसके बाद हमारा सेकेंडरी स्कूल है, वही जगह को लग करके कॉलेज के नीचे उसको लग करके, उसका सर्वे नंबर है 51A, 120A का कुछ पार्ट,
और वो है हमारा 1.1 एकड़ की जगह, सेकेंडरी स्कूल बन सकती है इस शहर में। आपने देखा होगा कि 2008 के बाद हमारे शहर में कोई नई स्कूल नहीं बनी, 2008 के बाद आबादी बढ़ती चली गई शहर की, लेकिन टीएमसी की तरफ से कोई स्कूल नहीं बनी, उल्टा जो स्कूल है उसकी हालत भी खस्ता होते चली गई। तो बहुत जरूरी है आज के हालत पर ये स्कूल, यहाँ पर स्कूल का रिजर्वेशन होना। उसके बाद हमारे वहां पर म्युनिसिपैलिटी मार्केट का एक एकड़ का प्लॉट है, उसको लग करके ही म्युनिसिपैलिटी का 1.43 यानी डेढ़ एकड़ का लगभग पार्ट है वहां पर। अगर सोचिए आप एक मार्केट बन जाएगा वो रोड के ऊपर, बित्तल रोड के अंदर, और वो डेढ़ एकड़ के अंदर आप एक ही जगह पर सब शॉपिंग कर सकते हो जिसका रिजर्वेशन है, तो कितना बेहतर हमारे शहर के लिए होगा। आज आप रोड से परेशान होते हो, ट्रैफिक से परेशान, तो आप क्यों नहीं वहां पर एक परफेक्ट मार्केट बना करके वहां पर दे रहे हो। उसके बाद वहां ड्रामा थिएटर है जो एजुकेशनल थिएटर की बात, यानी कई सालों से खुद यहाँ के मौजूदा MLA करते हैं, वो वहां पर 1.6 एकड़ में है, यानी डेढ़ एकड़ से ज्यादा की जगह में वो ड्रामा थिएटर बनेगा। वो एजुकेशनल थिएटर है जहाँ बच्चे वहां पर यानी एजुकेशनल चीजें पढ़ सकते हैं। तो उसका है सर्वे नंबर 67 का कुछ पार्ट, 117A का कुछ पार्ट और 116 का कुछ पार्ट। उसके बाद आखिरी जो प्लॉट है उसके अंदर, ये भी हमारे शहर के लिए बहुत जरूरी है, ये है थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट का TMT का रिजर्वेशन, जिसका एकड़ है 5.70 एकड़, यानी 5.5 एकड़ से ज्यादा। आप सोचो अगर 5.5 एकड़ का जो TMT का जगह है, अगर वहां पर TMT बस डेपो बना दिया जाए 5.5 एकड़ में, तो आप सोच सकते हो कि जो आज जितने बच्चे कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे शहर से ट्रेन की तकलीफ लटकते हुए जाते हैं सुबह के वक्त, या बस में कैसा कैसा घुस के जाते हैं, वो बस डेपो से कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उस शहर से जहाँ डेपो होगा इतना बड़ा, वहां से वो बच्चे जा सकते हैं। आज हमारे यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट को अगर अपने कॉलेज के लिए पास निकालना होता है, बस का पास निकालना होता है, तो बी कैबिन के लिए थाना जाते हैं। अगर इतना बड़ा डेपो हमारे शहर में आएगा तो हमारे शहर में वो बी कैबिन बन जाएगा, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारे शहर से जो रोजगार के लिए निकलते हैं मापे की तरफ, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नवी मुंबई की तरफ, वो लोग वहां से डायरेक्ट बैठ के जा सकते हैं। आज कितना यानी TMT से, अरे कितना बस से यानी हमको तकलीफ हो रही है, हमारे यहाँ से हम महिलाओं के लिए बस शुरू करवा सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन सब के पीछे जो मो माफिया, जो बिल्डर माफिया इसके पीछे लगा है, वो इस शहर के सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष खुद है। क्या सर, उनका अध्यक्ष खुद है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इसकी छानबीन करी कि ये पतरा कौन मार रहा है, मुझे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है कि जगह जब हमारी TMC रिजर्वेशंस थी। ये प्लॉट आप पहले देख लीजिए, मैं उनके नाम से सब पेपर सब बताता हूँ। ये रिजर्वेशन प्लॉट जो है वो टोटल कितने एकड़ में होगा जो कब्जा हुआ है? टोटल 31.36 एकड़ में पूरा कब्जा हुआ है, वो पतरा मारा हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो मैं बता रहा हूँ, आप ये मित्तल में घुसते हो, या आप यानी ये देखिए ये हॉस्पिटल और इसके लिए जाते हो स्टेडियम के लिए, तो ये जो टर्निंग पे ये रिक्रिएशन ग्राउंड, उसको लगकर ये रेड में कॉलेज है, ये छोटा सा स्कूल है, ये रेड में ड्रामा थिएटर है, ये मार्केट है, उसको लगकर ये TMT बस डेपो का ये पूरा रिजर्वेशन है। ये पूरा रिजर्वेशन है, ये एक साथ जुड़ा हुआ, इस पर उन लोगों ने कब्जा करा है। और आप मुझे बताएं कि अगर कोई पार्टी से बिलोंग करते MLA उनकी पार्टी के, सत्ता में उनके नगर सेवक लोग, खुद वो पार्टी के अध्यक्ष हो, तो क्या उनको नहीं मालूम था कि ये शहर के बच्चों के भविष्य के लिए रिजर्वेशन आया है, इस शहर के मुस्तकबिल के लिए रिजर्वेशन आया है? जब मैंने तहकीकात की कि ये कौन बिल्डर लोग है, कौन इतने बिल्डर है जो हमारा रिजर्वेशन खा रहे, इसके पीछे कौन लोग है, तो जब मैंने 7-12 निकाला उसका, तो ये 7-12 बहुत है उसके, उसमें से मैं आप जो भी 7-12 पे हाथ रखेंगे मैं उस पे से आपको नाम पढ़ के सुनाना शुरू कर दूंगा। ये पूरे वो जगह के सर्वे के 7-12 है सब, आप जो भी आपको जो 7-12 आप बोलो कौन सा पढ़ 7-12 का नाम, ये देखो मैं 7-12 पे बिल्डरों के नाम पढ़ना शुरू करता हूँ, आप नाम सुनना शुरू करिए, आप दिखा सकते हो। ये 7-12 है 50/1 का, एक मिनट मैं 46 का 7-12 पढ़ना सुना दो, क्योंकि 46 TMT का पूरा पार्ट उसमें ये पूरा, तो आप देखिए 46 पे जो है थाने म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जहाँ से शुरू की जाए, TMT ज्यादा TMT के लिए यूज होता है वो, चाहे आप बस सर्विस ही शुरू करोगे TMT के अंदर। और अफसोस की बात यह है कि उसके प्रबंध अध्यक्ष समिति में भी है सदस्य, जो बिल्डर का नाम लेने जा रहा हूँ, नाम सुनना शुरू करिए आप, ये वो लोग हैं जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल खाने के पीछे तुले हुए, और कितने अमाउंट में इन लोगों ने जगह का सौदा किया है, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए दिया हो या खरीद के दिया हो, 7-12 पे जो मेंशन है मैं वो बता रहा हूँ, और कितना है ना वो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे। पहले जो बिल्डर मैं है, रियल्टी तरफे भागीदार एहतेशाम फिरोज खान, फरहान मोहम्मद मुस्लिम शेख,
शमीम अब्दुल गनी खान, ये हमारे एनसीपी के पार्टी के अध्यक्ष है शमीम भाई, उनके साहबजादे शमीम शमीम खान, मोहम्मद हसन याकूब खान, मुगीज अहमद अब्दुल सलाम खान, सलीम अब्दुल मजीद डोले, उमर शमशाद उस्मानी कमर, आलम मोहम्मद उमर सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान नसीम खान, इकबाल इस्माइल मुखरी, जमालुद्दीन रियाजुद्दीन खान, मोहम्मद असलम रुहाब अली खान, मोहम्मद आजम रुहाब अली खान, यांच्या रक्कम रुपीज 23,09,51,000 चा करारनामा क्षेत्र 62603 और ये फेयर फॉर नंबर 1085 के अंदर इसकी टोटल डिटेल्स मेंशन है, जो आप अगर बोलोगे तो मैं भी निकाल के दिखा दूंगा। ये लोगों ने 23 करोड़ का करारनामा किया ही क्यों, जब इनको मालूम था करारनामा करने से पहले कि ये जगह रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन इन लोगों ने लिया ही क्यों, और आज वहां पतरा मार के क्या करना चाह रहे? अगर ये शहर के भले के लिए देना चाह रहे तो पतरा क्यों मारा इन्होंने? ये डिटेल्स बाहर लाए कि कितना कॉलेज बन रहा है, कितना क्या बन रहा है, टीएमसी क्या बना रही है, हम उसकी डिटेल्स मांग रहे हैं, टीएमसी जवाब नहीं दे रही है। अच्छा, इसके अलावा भी मेरी यानी पुलिस डिपार्टमेंट से भी मांगनी है, मैंने अभी धरना रखा था 19 तारीख को थाने में कलेक्टर ऑफिस पे, लेकिन मुझे परमिशन नहीं दी गई, मुझे ये बोल के रोका गया कि आपको कलेक्टर उनके पीए से मेरी बात कराई गई और मुझे यानी मंडे का टाइम दिया गया आधे घंटे का कलेक्टर साहब से मिलने का, दोपहर में 3:30 बजे हम लोग की पूरी टीम वहां मिलेगी इंशाल्लाह, हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग भी आने वाले हैं, वो जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने वहां मांगनी की है कि देखिए यही सेम जगह के ऊपर ये एक, मैं आपको हाई कोर्ट के केस का कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूं मैंग्रोव को रिलेटेड लेकर के, जो यहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट है और माजी में हमारे पार्टी से इलेक्शन भी कंटेस्ट किए आरिफ इराकी भाई, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल करी थी 2016 में, 54 पिटीशन नंबर था, पीआईएल नंबर था, उनकी मांगनी थी कि जो ये पीछे का एरिया है हमारे शहर का, वहां से मैंग्रोव बिल्डर माफिया, मैंग्रोव या कोई भी माफिया वहां से मैंग्रोव कटिंग करके शहर को धोखे में डाल रहा है, कल जब बारिश आएगी या 2006 की तरह वेव आएगी तो हमारा शहर डूब जाएगा, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने यानी मांगनी की थी कोर्ट में, पीआईएल दाखिल करा था इसे रोका जाए, जिसके ऊपर ये सर्वे नंबर आप देख सकते हो 29, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 102, 115, 121, 123, 124 and 125, ये मुमरा के सर्वे नंबर है जिसके ऊपर यानी मैंग्रोव है, उसमें से ये जो मैंने हाईलाइट किया 46, 47, 48, 49, 50, 115, 121, ये जगह के अंदर कुछ उसके पार्ट्स लगते हैं जहां से मैंग्रोव कटिंग की गई है बिल्डर माफियाओं की जगह लिए, जिन्होंने अपना बाउंड्री मार करके उस पर अपना कंस्ट्रक्शन भी किया, और ये कोर्ट का ऑर्डर 2019 का है, कोर्ट के ऑर्डर में 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिसेज भारती डंगरे जी मैडम कहते हैं, डंगरे मैडम कहते हैं कि उन्होंने कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्शन दिया है कि जो भी अवैध वहां पर कब्जा हुआ है ये सर्वे नंबर पे मैंग्रोव है और मैंग्रोव वहां होना चाहिए, उन्होंने कलेक्टर को ऑर्डर किया है कि आप वहां पर जितनी भरनी हुई है वो भरनी को निकाल करके वापस वहां पर मैंग्रोव बसाए ताकि शहर का भविष्य धोखे में ना रहे, कल को यानी कोई बाढ़ से, या आपको पता होगा एक तरफ हमारे पास पहाड़ी है एक तरफ यानी खाड़ी है, उसके बीच में एक मैंग्रोव था, आपका पानी जब खाड़ी से भी रिटर्न आता है, जब बाढ़ वगैरह आती है ज्यादा फ्लो होता है और हमारे वहां झरना भी बहते रहता है, तो उसके लिए हमारे वो मैंग्रोव ही एक हमारी सेफ्टी का वो था, लेकिन इन लोगों ने वो मैंग्रोव कटिंग करके करा है, तो कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर किया है, उसके बावजूद कैसे टीएमसी में यानी ये लोग लीगल प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हैं और कैसे लीगल प्रोजेक्ट पास हो सकता है, ऐसा कौन शहर विकास में बैठा हुआ है जो यानी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके इनको प्लान पास करवा के देने की कोशिश में है, या कलेक्टर साहब ऐसा कैसा यानी क्या सेटिंग हुई, कितने में सेटिंग हुई और कैसे सेटिंग हुई है कि कलेक्टर साहब भी चुप है, इतना बड़ा करप्शन शहर में हो रहा है, इसको लेकर के भी हम लोग की कंप्लेंट है कि सू मोटो इस पे पुलिस एक्शन ले, और जितने बिल्डर्स है जो आज मैंग्रोव की जगह पे और भरनी करके मैंग्रोव कटिंग करके, यानी मैंग्रोव कटिंग करना एक तो देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ मैंग्रोव कटिंग करना एक मर्डर जितना संगीन वो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इस पे उन पे क्रिमिनल ऑफेंस इन बिल्डरों पे जिनके नाम मैंने पढ़ा इन पे होना चाहिए, इन पे ये क्रिमिनल ऑफेंस बैठना चाहिए कि मैंग्रोव कटिंग करके कब्जा करके ऊपर और बना रहे, तो ये सब को लेकर के एमआईएम अपने शहर के भविष्य के लिए हम फाइट कर रहे मुसलसल 6 महीने से, हम लोग हर जगह पत्र व्यवहार कर रहे, डिटेल्स निकाल रहे, और इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, देखो कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये प्रोजेक्ट की कोशिश की जा रही है, और ये रिजर्वेशन प्लॉट है, कल को ऐसा ना हो कि मासूम जनता यहाँ पर पैसा लगाए
मासूम जनता पैसा फंसा दे, जब तक ये रिजर्वेशन का क्लियर वेरिफिकेशन नहीं आ जाता है या ये कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है, आवाम से अपील है कि वहाँ पैसा ना डाले, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों के भविष्य की जगह है। हम तो इंशाल्लाह फाइट करेंगे, और जब तक हमारी कोशिश, हम हमारे वरिष्ठों को भी कह रहे कि इस पर बोले, अभी हमने शुरू किया, इंशाल्लाह आगे आपको सब सुनने मिलेंगे, सब लोग उसके पीछे जाने कुछ ना कुछ अपना रोल करेंगे। और ये जो प्लॉट है 31 एकड़ हमारे शहर को मिले, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि हमारे शहर में आज एक भी प्लेइंग ग्राउंड है क्या? कोई भी बच्चा मिट्टी पे खेल सकता है क्या? आप टर्फ देखिए, इन लोगों ने सब ग्राउंड की जगह कब्जा करी और इन लोगों ने खुद के प्राइवेट टर्फ बनाए, सब ये इन लोगों के टर्फ है जहां ये पैसे पे चार्ज करके बच्चों को खिला रहे, इन लोगों ने यानी सब बंद कर दिया ग्राउंड। तो ये अगर आपके शहर के अंदर आपको 8.5 एकड़ का अगर प्लेइंग ग्राउंड मिलता, अगर वो बच्चों को बाउंड्री मार के दे दिया जाता, तो आज यहाँ से फुटबॉलर निकल सकते, यहाँ से क्रिकेटर निकल सकते, यहाँ से हर कोई निकल सकता। और यहाँ से अगर 13 एकड़ का कॉलेज आ जाए, तो आज 13 एकड़ के कॉलेज में आप कितनी बिल्डिंग इमेजिन कर सकते हो, 1 एकड़ के अंदर 10 बिल्डिंग बनती है। मेरा एक आपसे सवाल है, आपने 31 एकड़ टोटल बताया जो कब्जा किया गया भू माफिया ने, ये सत्ताधारी पार्टी के ही लोग कब्जा करे या और भी पार्टी के लोग? 7-12 पे वो पूरा वो तुमको 7-12 पे उनके ही नाम है, जितने नाम मैं बताया वही लोगों के नाम है, मेरे पास फेरफार पूरे पड़े हैं, मेरे पास सब पड़ा है। और दूसरी पार्टी के भी कोई है क्या या सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के ही लोग? देखिए, मैंने बिल्डरों के नाम आपको पढ़ा दिया, उसमें सबसे हाईलाइट वाला जो नाम है सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष ही उसमें पार्टनर है, और बिल्डर माफिया तो आपको पता है कि कौन सी पार्टी का पूरे शहर में, दूसरे पार्टी को तो पनपने भी नहीं देते उन लोग, इनके साथ किसी को आने दे। और हाल ही में आपने एक इंटरव्यू में फिकर देखी होगी कि 8 लाख स्क्वायर फीट का काम चालू है, तो वो यही जगह का काम चालू हो रहा होगा, 5 लाख स्क्वायर फीट का, तो साहब को फिकर यही जगह की हो रही होगी कि मैंने इतनी सेटिंग करके इतने रिजर्वेशन पे अपने लोगों को दिलाया, मैंने इतने इस पे करा, मेरी पूरी सेटिंग पे मेरा कमीशन कहीं खराब ना हो जाए, बहुत कुछ बातें हो सकती है। 5 लाख स्क्वायर फीट है का शहर पे, यही है, यानी वो 5 लाख स्क्वायर फीट को धर्म परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है, जबरदस्त वो धर्म परिवर्तन से जोड़ करके अपना फिकर धर्म परिवर्तन से हो रहे, बच्चे पे केस की नहीं है, फिकर ये हो रही कि मेरी मेहनत करी हुई, मेरा इतना सब किया, 5 लाख स्क्वायर फीट का जो प्रॉफिट 15% आप सेटिंग परिवर्तन नहीं हो जाए, सेटिंग परिवर्तन ना हो जाए उस पर काम हो रहा है। और मैं यही बोल रहा हूँ ना आपको कि जो लोग बोलते हैं कि हम बना के देंगे, तो आज तक स्लॉटर हाउस क्यों नहीं दिया गया हमारे को? आप अगर मेरी बातों को सुने, आज हमारे पास लाइब्रेरी और वेलफेयर सेंटर क्यों नहीं दिया गया? आज वन विंडो ऑफिस का हमको वादा किया गया था, वो क्यों नहीं दिया गया? आज आईटी पार्क मुमरा का कहाँ है? आईटी पार्क मुमरा का और ये चीज है, मैं नहीं, मार्केट ने हमारे पास डायलिसिस सेंटर नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कब्जा करने से पहले इनकी बुक थी ना अभी मैं रखना, ये कब्जा करने से पहले इनकी जो बुकें आई है इसमें जो वादे किए गए, ये ड्रामा थिएटर एजुकेशनल थिएटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम है बुक का? उड़ान, विकास एक मोहर करके आई थी 2019 में, इनका मैनुफेस्टो था, ये 2019 का है। आज एजुकेशनल थिएटर की जरूरत नहीं है, आपने अपने प्रचार के टाइम पे दिखाया कि हम बना के देंगे। ये वो जगह है मित्तल ग्राउंड की, 12 एकड़ भूखंड, रहना रहे महाविद्यालय गार्डन, एसटी डेपो, आनी मार्केट, दिख नहीं रहा है कहीं, दिख नहीं, ये जगह देखो ना, यही वो जगह मित्तल का, ये दिख नहीं रहा है, तो वही बता रहा ना, अपने प्रचार के लिए इन्होंने ये सब चीजें बताई, अपने प्रचार के लिए तो इन्होंने कैंसर सेंटर बता दिया। बता, इसमें और भी चीज जो लोग इसमें मेंशन किए उन्होंने, ये जो मैं लाइब्रेरी और एजुकेशन सेंटर का बोल रहा हूँ, कल्चरल और उर्दू भवन जो इन्होंने वादा किया, ये सब का, ये वन विंडो ऑफिस। तो अगर अब आवाम ने हम लोगों को, देखिए MIM का साथ दे लड़ाई में, अगर आपने अभी साथ नहीं दिया तो आपको चीजें मिलेगी फिर से सिर्फ ऐसा बुक पे, और अगर आप चाहते कि इनके कब्जे से बचा करके जमीनी तौर पे चीजें मिले तो MIM का साथ दीजिए। हम लोग इसके लिए काफी आगे आने आ करके इतने बड़े बिल्डर माफिया से, इतने बड़े यानी मिनिस्टर लेवल पे रहने वाले एक भू माफिया के सरगना से हम लोग आपके हक के लिए आवाज उठा रहे, बड़ी बड़ी सेटिंगों के खिलाफ आवाज उठा रहे। आप आवाम हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह ताला जितनी चीजें हमने बताई है ये सब मुस्तकबिल में हम अभी इसको रुका करके ये हमारे शहर के लिए लाकर छोड़ेंगे। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज़।